अभी रेडी हुआ हूँ, ये मेरे दोस्त का सामान संडिया पहुंच गए। ये भाई पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान से और कैसे टेक योर मनी इसका व्यू देखो। वाओ भाई साहब क्या सीन है, केएलसीसी व्यू है। और इस टावर का क्या नाम है भाई? केएल टावर बिजाय टाइम स्क्वायर हम स्ट्राइक। अच्छा, और ये टाइम स्क्वायर है। खुशामदीद में कुनी बोलते हैं। ये देखो कमेंट्स में जरूर बताना कि रोटी कैसी बनी है, ठीक है? और सालन भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस चैनल पे ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और ऐसे प्यार दिखाओगे जैसे पहले आपने दिखा दिया था। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ क्योंकि वो भी इधर है। और ये हमारा होटल का व्यू है, जो मतलब लॉबी व्यू है। और मेरा दोस्त भी उधर दूसरे होटल पर रहते हैं, लेकिन ये हमारा होटल है जिसका नाम है ईटॉन रेजिडेंसी। आप देख सकते हैं अभी रेडी हुआ हूँ। ये मेरे दोस्त का सामान है, उसने बोला था कि मेरा कुछ सामान उधर होटल पे पड़ा हुआ है, तो आप भी वो भी ले आओ और आप भी आ जाओ और इन्जॉय करो। तो चलते हैं, अभी मैं अपने लिए वो गाड़ी बुक करूँगा ग्रैब, तो इंशाल्लाह आगे मिलते हैं। ये हमारा होटल का बाहर व्यू है जहाँ हम रहते हैं, और ये सामने उसके पास केएलसीसी है, जो मतलब सब लोग जानते हैं कि केएलसीसी किधर है, मलेशिया में। अभी मैंने ग्रैब बुक किया लेकिन उसमें तकरीबन 10-11 मिनट का टाइम है। उसने बोला कि मैं जेब में फंसा हुआ हूँ तो मेरा थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा मैं अंदर जाकर थोड़ा वेट करूँ, आपको अंदर का व्यू भी दिखाऊँ कि मतलब अंदर का व्यू कैसा है। तो ये हमारे होटल का अंदर का व्यू है जहाँ पर गेस्ट आते हैं, और जब चेक-इन का टाइम लेट हो या चेकआउट हो जाते हैं तो यहाँ पर वो वेट करते हैं। अगर किसने ये बताया कि ये BMW में कौन सा मॉडल कार है, तो उसको मैं 10 रुपये का लोड करवा दूँगा। लेकिन अगर जिसने सही बताया तो हमने जो ग्रैब बुक किया था वो पहुँच गया, तो अभी चलते हैं। तो अभी मैं गाड़ी में बैठ गया, जा रहा हूँ दोस्त के पास। अभी ट्रिप बहुत ज़्यादा है लेकिन चलो लेट पहुँचेंगे, लेकिन पहुँच जाएंगे। ये भाई पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान से है कि नहीं। जी जी भाई, पाकिस्तान सियालकोट में भी रहता है ना? सियालकोट में भी पठान रहते हैं, लेकिन पिशावर में ज्यादातर पठान होते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बल्कि सारे पठान हैं। बहुत आदमी काम करता है ना, तो वही लोग बोलता है। अच्छा, यहाँ पर काम करते हैं। हाँ, एक कंपनी पाकिस्तान का है, ये वाला कंपनी ये पाकिस्तानी का है, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तानी है। हाँ, थैंक यू सो मच ब्रो। ओके, फ्रॉम नेपाल? नेपाल, या ही इज फ्रॉम नेपाल, सो ही कैन स्पीक योर लैंग्वेज? या ही कैन, बिकॉज़ पाकिस्तानी इज नॉट अलाउड टू डू सिक्योरिटी इन मलेशिया। या हाँ, ओके सर, टेक योर मनी। या थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मैं मिल गया अपने चूतिया दोस्त के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बखैर होगा। अच्छा, मैं अभी मिल रहा हूँ अपने अच्छे दोस्त के पास, जो मतलब जो बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन नहीं, ये तो बहुत अच्छा सिस्टम किया है भाई उसने। ये दो है जो सेंट किया, 1 और 2। अच्छा भाई साहब, तो आप इधर ही रहते हैं? जी, मेरे बॉक्स में। ये भी अच्छा सिस्टम है भाई, हम गरीब वाला नहीं है। वाह, ओपी भाई साहब, ओपी। तो अभी मैं पहुंच गया अपने दोस्त के रहने की जगह पे। ये होटल का क्या नाम है? बेसेंटिया। इसका व्यू देखो। वाओ भाई साहब क्या सीन है, केएलसीसी व्यू है। और इस टावर का क्या नाम है भाई? केएल टावर बिजाय टाइम स्क्वायर हम स्ट्राइक। अच्छा, और ये
टाइम्स स्क्वायर है, बहुत बेस्ट व्यू है भाई। और ये मेरे दोस्त का बेड है, ये देखो। अस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। हम गरीब लोग सारा दिन काम करके ऐसे थक जाते हैं और फिर ये रहने का जगह भी अच्छा नहीं है। और दोस्त का कमीने का तो चेक करो भाई, हमें भी यहाँ पर जॉब चाहिए। ठीक है ठीक है भाई साहब। तो किधर जाएंगे आप? स्विमिंग, अभी हम जा रहे स्विमिंग के लिए, तो वहाँ का भी कुछ क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे ना। अभी गरीब लोग ये है, आपने अभी कुछ देखा नहीं है तो हम आपको दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। मेरे लिए कोई चड्डी, चड्डी बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, ये अंडरवेयर दे दे कि मैं अंडरवेयर में वो स्विमिंग करूँ। अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग के लिए भाई, वो विदाग अच्छा नहीं बना तो इसलिए दूसरा बना रहे हैं। स्विमिंग के लिए जा रहे हैं भाई। कौन सा वाला? नहीं मैं शर्ट में भाई, मैं शर्ट यूज़ करेगा, शर्ट के बगैर मैं स्विमिंग कैसे करेगा भाई? तू गोरा था मतलब शर्ट रखा मड़ा भाषा तो शर्ट रखा था, पर शर्ट के शर्ट के बगैर ना वो देखें भाई। जब आपको मलेशिया में अच्छा काम भी मिल जाए और सैलरी भी अच्छी हो और आपको रहने के लिए ऐसे जगह भी दे जिससे ये व्यू आपको मिलता है ना, तो आपको और क्या चाहिए भाई साहब। ये देखो केएलसीसी व्यू, टाइम्स स्क्वायर एंड ये पता नहीं इस बिल्डिंग का नाम मैं भूल जाता हूँ, लेकिन ठीक है भाई चलता है। वाओ ये तो मतलब वो क्या सीन है, ये चेंज करते हैं और इसमें स्विमिंग करते हैं, चेंज करके दिखाते हैं कि कैसा है। तो भाई चेंज करते हैं स्विमिंग के लिए और आगे मैं आपको स्विमिंग पूल का वीडियो भी दिखाऊंगा, तो मेरे साथ ही रहिए कि इसका स्विमिंग पूल व्यू कैसा है। ये रहा हमारा स्विमिंग का ड्रेस जिसमें हम अभी स्विमिंग करेंगे। आपको मैं एक मज़े का चीज़ दिखा दूंगा, जब भी कोई यहाँ पर नया बंदा रहे या मतलब पुराना बंदा हो, लेकिन उसको सब स्वागत कहते क्या बोलते हैं, खुश आमदीद में कुनी बोलते हैं। ये देखो जो सिर्फ पठान लोग उसको समझते हैं कि कुनी किसको बोलते हैं। माशाल्लाह ये नाइट व्यू है भाई। ये कौन सा साइड है, कौन तरफ से बचा मलता दाना पता नहीं, सुना पठान बोतल ताज़ा। और ये रहा स्विमिंग पूल, मतलब फ्लैट मैट नहीं लगे बोली मलता टोल सड़ी दाम नहीं कुछ ना कहीं ना कहीं शराब फन ना कहीं। ओके इसमें वो शीशा है मेरे जो मतलब नीचे का व्यू दिखा देते हैं, भी उसको भी ज़रा चेक करते भाई साहब। अल्लाह तखेर हुआ कि बादशाह मेरा शीशा लगाने का मजबूत होता करें सामने बादशाह से मजलूक होगी जो मेरी की बादशाह से ना शमोर ले भाई। ये शीशा है, अगर मैं गिरा ना तो ये 35 फ्लोर है नीचे जमीन पे जाएगा भाई, तो मेरा हड्डी भी नहीं बचेगा। बचा तरह तरह सरा शफा जाए जबरदम तरह शाह لك يا لك يلا يلا خير وك يلا زعما صنع غناون دي يلا طول ما تمات يلا 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 اعوذ بالله باجا قسم نه قال زمرت لشم زبس لسكاره كنا شمرت له نور نشمرت له بس ابي ما يها پر جمپ لگا تو هم اور تو ميجا بول دي پتہ نہیں لیکن ہم اس کو پڑھتوں میں مے بول उधर स्विमिंग में किया लेकिन इतना खास मज़ा नहीं आया क्योंकि उधर वो लाइट नहीं था। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल पे कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए। हम बाहर आ गए जाते मेगामा तरफ, ये है लाला पोर्ट भाई। यस सर,
इस ग्राउंड की वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना सकता। जब भी मैं मोबाइल लेता है ना तो शर्म बादशाह तो उन्होंने शर्मी क्यों बोली बादशाह मसाला जैसा था। जो सबसे मेन चीज़ होता है ना मलेशिया में हम पकाने के लिए, मतलब हम ऊट ज़्यादा खाते हैं, तो ये बेस्ट आटा है मलेशिया में, बाकी बहुत सारे लेकिन जो सबसे बेस्ट है ना होता है ये। अभी जो है ना मैं यहाँ पर मेहमान आया हूँ, मैं जितना भी शॉपिंग करूँगा जितनी भी चीज़ें खरीदूँगा ना ये आपके खाते में, ठीक है। अभी ये मैं ये कौन है बचा था खबर हुआ, जितना भी मैं चीज़ें लूँगा आपके खाते में खाऊंगा, ठीक है। कैसे क्यों करेगा बच्चा जाना लगा रहा कोल्ड ड्रिंक्स रखना, अभी मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेगा इसे खाते में लिखेगा ड्रिंक्स बनावा तो बच्चा। अभी जितना भी बिल आएगा ना तू पे करेगा, ठीक है, तू मेरा अच्छा भाई है। माता वही तब ऐसी वर्क करना करें जब तक तू बुरा जमा सर से दीदा खाना बस मल्ला रे सारे ख्याल ले बजा काट पे के कना पेसी वर्ड गया। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे मसले में फंस जाऊंगा भाई, कोई बात नहीं भाई, आंखों में आंसू आ गया क्योंकि मैं प्याज काट रहा हूँ, इसलिए प्याज ऑयल में डाल दिया है, टोमेटो कट दिया और ये मिर्ची भी है, तो सभी पोपो उर्दू के लिए अदरक था, लहसुन भी है और ये लहसुन है उसको भी काट दिया। अभी जो ब्लेंडर है ना वो ख़राब हो गया है, तो अभी इस मशीन को क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हम अभी उससे काम चला रहे हैं। अभी हम कीमा बना रहे हैं, इसमें टमाटर प्याज वगैरह डाल दिया है, टमाटर तो वहाँ पर पड़े भाई साहब, नहीं टमाटर नहीं डाला है, कामरान चश्मो इसमें मसाला डाल रहा है। अरे भाई अभी मैं सलान के साथ रोटी बनाता है। अभी भाई साहब मैंने रोटी भी बनाई, आप रोटी को चेक करें कैसी बनी है, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि रोटी कैसी बनी है, ठीक है, और सालन भी। टीका नमाना खा लिया है दोस्त के साथ, उसका प्रमोशन हो गया, इधर आ गया है, मैं उधर पे काम करता है जहाँ पे मैं पहले से ही था, तो उसके पास आया कुछ का कुछ सामान था वो भी लाया, तो अभी रात के 11 बज गए भाई साहब, तो मैं वापस जाऊंगा इंशाल्लाह अपने घर पे, वहाँ से भी 2-3 वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट व्लॉग है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। बिग लव बिग रिस्पेक्ट। लो भी खुले तैयार कर दो तो वो के बजे पेश नहीं था अलग अलग मैं पके देखा दिया किसान, वाह 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 क्या सीन है, ओ भाई साहब ये वाले चेक कर यारे कमा यारे कमा। डरना नहीं है भाई डरना नहीं है, किसान नूरम पर किसान हाँ बता वाला कटोल ना काट ताया उधर गाड़ी पहुंच गई, अभी जा रहे हैं अपने हाँ वेल सी आओ दादे गिर कुलो का बच्चा का संग हमारे घर है, और थैंक यू सो मच। तो अभी बस मैं पहुंचने वाले हूँ अपने घर, तो ये रहा अपना जगह, नहीं नहीं वापस पहुंच गया अपने घर पे, इंशाल्लाह मैं और वीडियो भी बनाऊंगा और आप इस तरह मुझे सपोर्ट करें, देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।